दिग्रस कोविड केयर सेंटर के डॉक्टर द्वारा सोमवार को फुलवाड़ी ग्राम के आयोजित कैंप में 50 स्वैब का परीक्षण किया गया, जिसमें सभी टेस्ट निगेटिव आई है। इसी तरह शाम को दिग्रस कोविड केयर सेंटर पर हुई 40 लोगों के स्वैब टेस्ट में 3 पॉजिटिव रिपोर्ट सामने आई है। ऐसे में तहसील के कुल कोरोना मरीजों का आंकड़ा 24 पर जा पहुंचा है। दिग्रस तहसील में कोरोना संक्रमण की घुसपैठ काफी हद तक थम गई है। प्रशासकीय स्तर पर जहां तहसील कार्यालय, नगरपालिका प्रशासन और पुलिस विभाग पूरी मुस्तैदी के साथ डटा हुआ है, वहीं दिग्रस ग्रामीण अस्पताल सहित ईसापुर स्थित कोविड केयर सेंटर के डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ भी कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करते दिखाई दे रहा है। ऐसे में सोमवार को कोविड केयर के डॉक्टरों ने फुलवाड़ी गाँव में लिए कैंप में रैपिड एंटीजन टेस्ट किट के माध्यम से 50 ग्रामीणों के स्वैब का परीक्षण किया, जिसमें से सभी रिपोर्ट निगेटिव आई है। इस तरह शाम को दिग्रस कोविड केयर सेंटर में भी दिग्रस के 40 लोगों के स्वैब टेस्ट लिए गए। कैंप आयोजित किया गया था, जिसमें भाटीपुरा सहित ताजनगर और शहर के अन्य इलाकों के लोगों ने हिस्सा लिया था। इस संदर्भ में तहसील वैद्यकीय प्रभारी अधिकारी डॉक्टर संजय यादव और दिग्रस कोविड केयर मैनेजर डॉक्टर अभय गोविंदवार ने जानकारी दी है। तिथं एक रुग्ण निघाला होता, त्याच्या संपर्कातील काही 15 हायरिक्स आम्ही इथे भरती केले होते। त्यांचे इथे आम्ही टेस्ट केल्या आणि उर्वरित जे लो रिक्स काही संपर्कातील व्यक्ती होती, त्यांचे आम्ही फुलवाडी जाऊन तिथे 50 लोकांची आम्ही तपासण्या केल्या आणि त्या तपासणीचा निष्कर्ष आम्ही एका तासात तिथंच त्यांना दिला आणि तिथून काही आजच्या रोजी सगळे पेशंट निगेटिव्ह होते। तसेच आज दुपारनंतर दुसऱ्या टीमने आज CCCला एक छोटा आम्ही शिबिर आयोजित केलेला आहे आणि हा कॅम्प सध्या चालू आहे। आता सध्या ॲक्टिव्ह पेशंट जे आहेत दिग्रस तालुक्यामध्ये 21 आहेत आणि आमच्या सेंटरला 13 लोक आहेत, त्याच्यामध्ये दिग्रस तालुक्यामध्ये 11 आहेत आणि 2 दुसऱ्या तालुक्यातील आहे। आता सध्या आपल्याकडे 13 लोक आहेत आणि आज जे रॅपिड टेस्ट होणार आहे सगळ्या लोकांच्या, तर सध्या जवळपास 40 जणांची नोंदणी झाली आहे। तरी अजून कोणी येऊ शकतात काही प्रॉब्लेम नाही, पण याला आम्ही एक जसं वेळ दिला आहे, आता आम्ही उद्यापासून असं नियोजन केलं आहे। ज्यांनाही रॅपिड टेस्ट करायची असेल सो इच्छेने आपण करू शकता। मागेसुद्धा मी बऱ्याच वेळा सांगितलं लोकांना, त्यांनी बऱ्याच सोमवार की शाम को ही ईसापुर से सटे कोविड केयर सेंटर में 40 लोगों के स्वैब का टेस्ट किया गया, जिसमें 3 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ऐसे में कल तक तहसील में कुल कोरोना मरीजों का आंकड़ा 21 था, जो अब 24 हो गया है। सोमवार की शाम को खबर लिखने तक दिग्रस कोविड केयर सेंटर में पहले 13 पॉजिटिव मरीज शामिल थे और 8 लोग यवतमाल के आइसोलेशन वार्ड में उपचार के लिए दाखिल किए गए थे। सोमवार को 3 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इजाफा होने से दिग्रस कोविड केयर सेंटर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 16 पर पहुंच गया है। इनवीजन न्यूज के लिए जुबैर खान की रिपोर्ट।